नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी वे टू लर्न पर। हमने इससे पहले के पार्ट में लॉजिकल वेन डायग्राम का पूरा कॉन्सेप्ट समझा था। अब हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम उनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले, तो यदि आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप अच्छे तरीके से देखिए, फिर उसके बाद आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इजी वे टू लर्न को। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो देखिए, एक से पांच क्वेश्चन की यहां पर डायरेक्शन दी गई और यहां पर दिया गया चूज द वेन डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द बेस्ट रिलेशनशिप अमंग द गिवन वर्ड्स। नीचे दिए गए वर्ड्स के बीच जो एक बेस्ट संबंध रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा उसको हमें चुनना है दिए गए पांच विकल्पों में से। और पांच क्वेश्चन के लिए ये पांच डायग्राम दिए गए। क्वेश्चन एक का आंसर भी इन पांचों ऑप्शन में से देना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी पांचों में से देना है, थर्ड का भी, फोर्थ का भी और फिफ्थ का भी। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया पैरेट्स, बर्ड्स, माइस, तोता, पक्षी और चूहे। अब सीधी सी बात है, हमें पता है कि तोता जो है वो पक्षियों में से कोई एक पक्षी है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये हमारा हुआ पैरेट। और पैरेट क्या है, सारे के सारे बर्ड है। अब चूहा जो है वो एक पक्षी का भाग नहीं, वो एक तोते का भाग नहीं, वो एक एनिमल में आ गया। तो चूहा बर्ड से भी अलग होगा और बर्ड से अलग हो गया तो अपने आप किससे, पक्षी से भी, मतलब कि पैरेट से भी अलग हो जाएगा। तो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से। और ये डायग्राम हम विकल्प में देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा यहां पर डी। तो हमारा ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हुआ, डी हुआ। सेकंड क्वेश्चन पर हम आए, दिया गया प्रोफेसर, बर्ड्स, एनिमल्स। अब देखिए, प्रोफेसर बर्ड या एनिमल में से तो कोई प्रोफेसर होता नहीं, इसका मतलब प्रोफेसर जो है बर्ड से भी अलग होगा और एनिमल से भी अलग होगा। अब प्रोफेसर का रिलेशन यदि बर्ड से और एनिमल से हम बना चुके, अब बर्ड्स का एनिमल हम, बर्ड्स का रिलेशन हम एनिमल से बनाएंगे। तो देखिए, पक्षी अलग होते हैं और पशु अलग होते हैं, तो यहां इन दोनों के बीच भी नो का रिलेशन बनेगा। तो प्रोफेसर का पक्षी के साथ नो का रिलेशन, प्रोफेसर का पशु के साथ नो रिलेशन और पक्षी का पशु के साथ नो रिलेशन। तो तीनों का कोई भी रिलेशन नहीं, तो आपस में अलग अलग डायग्राम बनेंगे। ये अलग डायग्राम इस तरीके से भी हो सकते हैं या फिर एग्जाम में इस तरीके से भी दिए जा सकते हैं, किसी भी तरीके से दिए हो, बस इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन ना हो। तो हमारे क्वेश्चन का, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये डायग्राम। अब दिए गए विकल्पों में से यदि देखा जाए तो ये डायग्राम ई में है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा ए। फिर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, पेरेंट्स, मदर, फादर, अभिभावक, माता और पिता। अब देखिए, माता जो है वो एक फीमेल जेंडर है और पिता जो है, फादर है, वो एक मेल जेंडर है। और मेल अलग होंगे और फीमेल अलग होंगे। और अभिभावक क्या होते हैं, पेरेंट्स। देखिए, कभी भी बोला जाता है कि आपके पेरेंट्स को बुला के लेके आइए, तो उसका मतलब क्या होता है कि या तो माता या फिर पिता, माता पिता में से कोई एक। तो पेरेंट्स के अंदर पिता भी आते हैं और पेरेंट्स के अंदर माता भी आती है। तो ये माता और पिता का तो बनेगा नो का रिलेशन, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे से भिन्न है। और ये दोनों जो है वो किसका भाग है, पेरेंट्स का भाग है। तो इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा ये डायग्राम। और ये डायग्राम यदि देखा जाए तो ऑप्शन सी में है, तो यहां हमारा आंसर बना क्या, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिया गया म्यूजिशियंस, सिंगर्स, वुमन। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगीतकार, गायक और औरत। पहली बात तो ये कि औरत, जरूरी नहीं कि सारी की सारी औरत गायक हो, या ये भी जरूरी नहीं कि कोई भी औरत गायक ना हो, क्योंकि आपने सॉन्ग सुने हैं और सॉन्ग में जो है मेल और फीमेल दोनों की वॉइस होती है।
औरत भी गाना गाती है और पुरुष भी गाना गाते हैं, तो औरत का कुछ भाग सिंगर हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, और औरत का ही कुछ भाग म्यूजिशियंस भी हो सकता है, क्योंकि म्यूजिक भी बजाती है कुछ औरत, तो कुछ औरत का गायक और कुछ औरत का संगीतकार से कनेक्शन बनेगा। फिर बात करें हम संगीतकार और गायक का, अब हो सकता है कुछ म्यूजिशियंस जो म्यूजिशियंस के साथ साथ सिंगर्स भी हो, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है कि म्यूजिशियंस और सिंगर्स आपस में कुछ भाग मिक्सअप हो, ये म्यूजिशियंस और ये सिंगर्स। अब वुमेन की बात करें तो वुमेन इन दोनों का कुछ पार्ट होगी, तो वुमेन का पार्ट इन दोनों से इस तरीके से बनाया जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा जो कि ऑप्शन ए में है, तो हमारा यहां पर आंसर हुआ ए। फिफ्थ क्वेश्चन पर आए, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया दिल्ली हरियाणा इंडिया, जगह के नाम दे दिए गए। अब देखिए दिल्ली और हरियाणा इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि दिल्ली अलग है और हरियाणा एक दूसरे से, ये दोनों जगह अलग है, और ये दोनों की दोनों किस में है? भारत में है, इंडिया का पार्ट है। तो इस इंडिया के अंदर ही मैं बोल दूं कि ये दिल्ली और ये हरियाणा, अगर डायग्राम देखिए हम बना दें यूं, इसका अर्थ क्या हुआ कि दिल्ली का कुछ पार्ट किस में आ गया? हरियाणा में। लेकिन सभी को पता है कि दिल्ली अलग है और हरियाणा अलग है, तो डायग्राम बनेगा ये, और इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा सी। चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी कुछ और क्वेश्चन देखें हम। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें दिया गया, और अब हर क्वेश्चन के साथ साथ अलग अलग डायग्राम ऑप्शन के रूप में दिए गए। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें दिया गया बॉयज स्टूडेंट्स एथलीट्स, लड़के विद्यार्थी और एथलीट। अब देखिए स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स में बॉयज भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकती हैं, और उन स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट एथलीट हो सकते हैं, और उन स्टूडेंट्स में से जो लड़के हैं उनमें से भी कुछ लड़के एथलीट हो सकते हैं। देखिए यदि बात करें हम लड़के और विद्यार्थी की, बॉयज स्टूडेंट्स, अब हम अगर कर दें सारे के सारे बॉयज स्टूडेंट्स हैं तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कुछ लड़के विद्यार्थी ना रहे हो, अगर कोई स्कूल में ना ही गया हो तो वो कैसे विद्यार्थी होगा। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा बॉयज और स्टूडेंट्स के बीच ये डायग्राम बनेगा। फिर हम बात करें एथलीट की, अब देखिए एथलीट जो है कुछ स्टूडेंट भी हो सकते हैं, हो सकता है कि स्टूडेंट में से कुछ एथलीट हो, और हो सकता है कि लड़कों में से भी कुछ एथलीट हो, और हो सकता है लड़कियां भी हो सकती थी। तो फिर एथलीट का जो बनेगा ये पोर्शन बनेगा, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की, दिया गया डॉक्टर मेल और फादर, डॉक्टर पुरुष और पिता। अब पुरुष और पिता को देखते ही हमारे माइंड में आ गया कि जितने भी फादर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? मेल हैं। ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब डॉक्टर की बात करें तो देखिए डॉक्टर में यदि मैं कुछ मेल को डॉक्टर बना दूं तो क्या ये सही होगा? ये हो सकता था कि कुछ मेल डॉक्टर हो, लेकिन डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं और फादर भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कईयों के फादर जो है वो डॉक्टर हैं और वो मेल तो अपने आप है ही है, तो डॉक्टर का पोर्शन जो है फादर और मेल दोनों को ओवरलैप करेगा, लेकिन सम के केस में करेगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर इसके अकॉर्डिंग होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। एट्थ क्वेश्चन पर हमारे दिया गया कंट्री सिटी और स्टेट, देश शहर और राज्य। अब हमें पता है कि कोई भी शहर राज्य का पार्ट होता है, किसी भी देश की हम बात करें, जैसे एग्जांपल लेके चले हमने एक शहर ले लिया हिसार, ये हमारी एक सिटी है, फिर ये सिटी जो है किस स्टेट में है? हरियाणा में है।
तो ये हो जाएगा यहां पर हरियाणा। और हरियाणा जो है एक स्टेट है, राज्य है, वो किस में है, वो इंडिया का पार्ट है, तो कुछ इस तरीके से संबंध बनेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं, इनमें से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके, और जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूजन इतनी ज्यादा रहती है। अब इस क्वेश्चन को सीखेंगे ताकि लाइफ में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। दिया गया फादर, अंकल और मेल, पिता, अंकल, अंकल में चाचा भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है, मौसा भी हो सकता है और फूफा भी हो सकता है, और दिया गया पुरुष। ये अंकल, अंकल में जितने रिश्ते आए थे हमारे, वो सारे के सारे क्या थे, मेल थे। तो हम बात कर सकते हैं कि ये हुआ अंकल, और ये सारे के सारे अंकल क्या होंगे, सारे अंकल मेल होंगे। अब बात करें पिता की, क्या पिता मेल नहीं होंगे, पिता भी तो क्या होंगे, मेल होंगे। तो ये दोनों के दोनों आ जाते हैं, फादर का पार्ट आ जाएगा मेल के अंदर। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायग्राम बनाते हैं ये, और इसको करके आते हैं 90% सही। लेकिन ये रियल में क्या है, ये गलत रिलेशन हमने रिप्रेजेंट कर दिया। हमने यहां पर यदि हम देखें, इसमें क्या दिया गया, अंकल और फादर का कोई आपस में रिलेशन नहीं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि हम अपने फादर की बात करें, क्या हमारा फादर किसी का अंकल नहीं है, या फिर हम अपने अंकल की बात करें, हमारा अंकल जो है वो हमारे कजन का फादर होगा, तो हो सकता है कि कुछ अंकल फादर हो और कुछ फादर अंकल हो। तो इस सिचुएशन में डायग्राम क्या बनेगा हमारा, फादर और अंकल का जो डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे हम, वो इस तरीके से करेंगे। फादर और अंकल के बीच में रिलेशन बनेगा ये, और ये दोनों के दोनों किसका पार्ट थे, ये दोनों मेल कैटेगरी में है। तो सही आंसर बनेगा हमारा ये, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार हमने वेन डायग्राम को बड़े अच्छे तरीके से सीखा, समझा, और क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए। इससे पहले के पार्ट में पूरा का पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ाया गया, तो सबसे पहले उस पार्ट को देखिए, फिर इस पार्ट को देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इजी वे टू लर्न को, और इस टॉपिक से आपके जितने भी कोई डाउट या क्वेरी है, तो इसी नाम से हमारा फेसबुक ग्रुप है, इजी वे टू लर्न, उसको ज्वाइन कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी दीजिए और हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू वेरी मच।